'cause it just don't matter what you do. Moving, moving, he's gonna get you. Listen up, 'cause all that I say is true. No matter what you do, moving, moving, he's gonna get you. Listen. शंकर, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। तूने भाई का साथ छोड़ा है? पैसे के लिए भाई को छोड़कर काशी के गैंग में आ गया तू। इतना ही नहीं बल्कि सरकारी गवाह बनकर तूने और बड़ी गलती की। तूने अपनी सेफ्टी खुद ने की तो नहीं बचेगा। शंकर, शंकर इधर नहीं आया। मैंने पूछा क्या? मोबाइल बहुत अच्छा है, नया मॉडल है, जरा दिखा तो। पांडु भाई, पांडु भाई, गलती हो गई भाई, पैर पड़ छोड़ मैं। ए, तूने अगर झूठ बोला होता तो माफ कर देता, मुझे धोखा दिया होता तो भी छोड़ देता, लेकिन तूने विश्वासघात किया है भाई से। ये राजा, ए शंकर, मार देता। तुझे मारने ही आया था, लेकिन किसी टाइम तू हमारे साथ घूमता था, ये सोच के जिंदा छोड़ रहा तुझे। जा, चुपचाप अपनी जान बचा के चला जाए यहां से, जा यहां से। Just 5 minutes. Sure. Please. Thank you. अरे पांडू, इधर है। क्या हुआ कुणाल? इतनी भाग दौड़ यहाँ का चिल्लाने के लिए किसी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कुणाल टॉप 10 लिस्ट में हाँ, थैंक यू। अब क्या करेंगे सर? 10th क्लास में एडमिशन लेगा। 10th करेंगे? तो बेवकूफी वाला सवाल पूछ रहे हो, रिटन एग्जाम पूरा होने के बाद कोई क्या करता है? उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद पोस्टिंग, नेक्स्ट तो इसी से पूछना पड़ेगा। अरे ये कहाँ चला गया? जहाँ साथी दुनिया सलाम करे ये सारी खतरों की ये तू खेलबाजी हौसले दिखा दिखा वो 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 है जोश में ये जवानी है खून में रवानी चाहे देनी पड़े कुर्बानी जंग जीत के दिखानी सूरज से तू आंखें मिला हो ये तुम दिखा दो वो आसमां को जमीन पे ला दो जो जुबान से बोलो वो करके बता दो चक दे तू जहां साथी दुनिया सलाम कर ये सारी yeah! Yo, you're the top of the youth of the nation. Step aside to the beat of the
fashion. Rock and roll to the rhythm of the season. Feel it, feel it now. Never look back at God damn day. Come on, this is all I ever gotta say. Boom, shaka, laka, laka, baka, bay. Rock it now. आए आंधिया तूफान पर तुम रुक नहीं जाना, कट जाए सर ये चाहे पर तुम झुक नहीं जाना। माथे कफन माथे बजेंगे मैदान में जाना यारा बस तू, जब तक है ये सांस आखिरी लड़ते ही जाना बस तू, जब तक ना मिले मंजिल बढ़ते ही जाना बस तू, हस्ती है क्या तेरी ये सबको बताना अब तू, है जोश में ये जवानी है खून में रवानी, चाहे देनी पड़े कुर्बानी जंग जीत के दिखानी, सूरज से तू आंखें मिला है दम कब कितना ये तुम दिखा दो, आसमां को जमीन पिला दो, जो जुबान से बोलो वो करके बता दो, चक दे जहां साथी दुनिया सलाम कर ये सारी, खेलो तुम आग से खतरों से ना डरो, सीने में हिम्मत रखो मरने से ना डरो, जीना है तो शान से जियो सर उठा के चलो, आँख मिला के मौत से इस जीवन को तुम जियो, याद करे ये दुनिया तुमको कुछ ऐसा कर जाओ, दुनिया के इतिहास में खुद को तुम अमर कर जाओ, है जोश में ये जवानी है खून में रवानी, चाहे देनी पड़े कुर्बानी जंग जीत के दिखानी, सूरज से तू आंखें मिला है दम कम कितना ये तुम दिखा दो, वो आसमां को जमीन पिला दो, जो जुबान से बोलो वो करके बता दो, चक दे तू जहां साथी दुनिया सलाम कर ये सारी। तुझे भाई ने बुलवाया है। बोल दो मैं नहीं आऊंगा। भाई की बात को ना नहीं करना चाहिए। कार में बैठ। क्या हुआ पांडू भाई, तुम्हारी बात नहीं मानी इसने? पूरे शहर में अकेला जो मेरी बात नहीं मानता। हाथ पैर तोड़ के डाल दो गाड़ी में। अरे बा, वो मेरा लड़का है। आप अपने प्रभु के दिल के बहुत ही करीब हैं। आपके सपनों को वो प्रभु पूरा करेंगे। यीशु कहाँ है यारो, यीशु कहाँ है यारो, वो हम सबके दिल में है यारो। प्रभु कहाँ है यारो, प्रभु कहाँ है यारो, अरे वो हम सबके दिल में है यारो। हम सबके दुखों को जीसस जी दूर करे, हम दिल से उनको याद करें, जीसस जी हम सबके दुखों को दूर करे। व्हाट इज दिस फादर, फिर भी गाने पर प्रभु की प्रार्थना करते हैं? वो ट्यून आपको पसंद नहीं आया क्या? स्टाइल में पसंद नहीं आया। स्टाइल से याद आया, स्टाइल फिल्म के ट्यून में गाना गा लेता हूँ। ऐसे गानों को गाकर चर्च को आप पवित्र करेंगे आप? फादर आज की प्रेयर सुपर है। ओके, कल फिर आप लोग प्रेयर में आना। आपने हम चाहे कुछ भी बोले इंटरेस्टिंग लगता है, चाहे वो प्रेयर हो या मीटिंग हो, पब्लिक को पसंद आनी चाहिए। ओके नहीं, हम नहीं मानते। आपको कुछ काम है क्या?
नहीं तो लेकिन मुझे कम ऑन मुझे बॉल दो ना। ए प्रभु मेरी हाइट छोटी देकर के मुझे बास्केटबॉल खेलने से वंचित कर दिया तुमने। चल दे 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 इधर इधर ना इधर क्या हुआ सारे शॉट्स मिस कर दिए कुछ फैमिली अफेयर है क्या? नहीं फैमिली में फायर। ओह क्या हुआ फिर तेरे पाप के बीच? क्या बताऊं फादर वो कहते हैं भाई के साथ काम करने का वादा किया है। इतनी सी बात है कोई उनकी तरह गुंडा बनने के लिए थोड़ी बोला है। कौन है गुंडा? मैं कोई गुंडा नहीं हूँ भाई के कामों में राइट हैंड हूँ। मैं पैसों के लिए किसी के ऊपर हाथ नहीं डालता हूँ लेकिन अन्यायी को छोड़ता भी नहीं हूँ। अन्याय करने वालों को रोकने वाले आप कौन होते हैं? उनको सुधारने के लिए पुलिस है कोर्ट है। ये पुलिस वाले कैसे नौकरी करते हैं हमें मालूम नहीं है क्या? ये भी ठीक है उन्हें न्याय दिलवाने में हम कहाँ चुप बैठते हैं फादर। जितनी गंभीरता से वो काम करते हैं उतना हम साथ देते हैं। कुछ काम तो करो गंभीरता से करते कहाँ हो। करना चाहिए यही कर्म है कि एक नागरिक की तरह उन्हें याद दिलाना चाहिए। सिस्टम के बारे में स्पीच मत दो। एक आदमी को प्रॉब्लम होने पर न्याय मिलने में कितना टाइम लगता है ये दूध पीने वाला बछड़ा भी जानता है। लेकिन भाई के पास ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहले समझाना फिर भाई का निर्णय लेना और उस निर्णय पर ये पांडु काम करता। हाँ मैं समझ गया। दयावान फिल्म में जैसे विनोद खन्ना था और आप फिरोज खान। लेकिन अपनी फिल्म में आप मुझे मत खींचिए। मैं जीसस को जितना मानता हूँ उतना तुम्हारे पापा भाई को मानते हैं। तुम जो कहोगे उनकी समझ में नहीं आएगा इसलिए अपने पापा की बातों पर ध्यान न दो अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। हाय भगवान बहुत परेशानी होती है। आज का पकौड़ा अच्छा नहीं है इसलिए। तेरी तो मैंने पकौड़े के बारे में नहीं कहा था। उस बॉल का अगर मुंह होता तब तक मेरे कान फट गए होते। ए मामा मेरे डोले तो देख। यहाँ डोले हैं और यहाँ पकौड़े। तुम लोगों के बीच में फंस गया हूँ। मुझ जैसे सिंसेटी किसी में नहीं है। सब फेंकू है। वहां पर भी देखो। चलो मैं दिखाता हूँ। अरे ये क्या करेंगे खाते हैं और यहाँ आ जाते हैं। सिंसेटी है ही नहीं मेरी तरह। बाप रे पेट में घबराहट हो रही है। डालो। अरे ये क्या कर रहा है? तू भी डाल। क्यों बे मेरा मजाक उड़ाता है? अब उठा उठा। उठा उठा अभी। चल अरे उठा अभी। चल खड़ा हो जा। इतना ही है और डालो। ए और डाल दे। तुम डाल दे। बस हो गया। शरीर बढ़ाने से कुछ नहीं होता। बढ़ाना है तो हिम्मत बढ़ाओ नहीं तो चाहे कितना भी वेट उठा लो हमारा वेट नहीं बढ़ता। ए, कौन है ये? इस जिम में मार्शल आर्ट के नए ट्रेनर आए हैं। कुंग फू ताइक्वांडो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ए, 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 कौन हो तुम? क्या है? जो मैं कहती हूँ वही करो। ठीक से पकड़ो। ये क्या कर रही हो? डांस। डांस? मुझे डांस सीखना है इसीलिए पार्टनर चाहिए था। इतने में तुम मिल गए। मतलब किसी को भी खींच लोगी क्या? ओ, ओ। प्लीज तुम्हारी जैसी पर्सनालिटी वाला फिर कहाँ मिलेगा?
कहाँ मिला ये पार्टी? कॉरिडोर में मिला था सर। अच्छा, अगर दोनों को डांस सिखाऊंगा तो क्या कट बनेंगे चाकू की तरह। ये कौन है? हमारी डांस मैडम। सॉरी सॉरी, हमारे डांस मास्टर। सॉरी किस लिए? ठीक ही तो कहा। आई एम देवा, माइकल देवा। माइकल जैक्सन और प्रभु देवा को मिलाओ तो मैं हूँ। तुम तो पहले से ही दोनों के बीच के हो, ऊपर से उन दोनों की मिलावट क्यों करते हो? व्हाट अ सेक्सी जोक। सोनम, आधा घंटा इन्हें छोड़ दोगी तो मैं भी प्रैक्टिस कर लूंगा। थैंक यू सर, आज के लिए एक पार्टी काफी है। बाय। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एवरीबॉडी, यहाँ देखो, इधर देखो, आज की क्लास यही खत्म होती है। एकल फ्रेश चार स्टेप बताऊंगा, अगर वो सीख गया तो आप सब लोग भी मेरी तरह हो जाओगे। Baby, when the lights go off, I'm sorry. Sorry किस लिए? अब मैं भी डैश मारूंगा तो अकाउंट लेवल हो जाएगा। डैश प्लस डैश इज इक्वल टू डैश डैश डैश। Yo, yo, we come with the truth of the nation. Rockin' roll to the rhythm of the season. So we rock. चलो, हमारा टाइम हो गया, चलो कम कम। हेलो 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 हेलो। हे, क्या फिर से मुझे डांस में घसीटना चाहती हो? नो नो, डांस करने के लिए और अब आने के लिए थैंक्स। मैं सोनम हूँ और तुम मुझे सोनू बुला सकते हो। एंड यू? कुणाल, और तुम मुझे कुणाल ही बुलाओ। तुम क्या करते हो? जो कर चुका हूँ या जो करने वाला हूँ? दोनों बातें। IAS में ट्रेनिंग पूरी की है। फिर यहाँ? जिम में मार्शल आर्ट ट्रेनर का पार्ट टाइम काम करता हूँ। सरप्राइजिंग लग रहा है, तुम्हारे इस आईएएस का बॉडी बिल्डिंग कराटे कुंफू से क्या कनेक्शन? दिमाग का शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है क्या? हाँ है। फिर ये भी वही है? ओह, अरे हाँ, तुमने पूछा ही नहीं मैं क्या करती हूँ। बोलो। मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनूं और एक बहुत बड़ा अस्पताल खोलूं, ऐसा मेरे डैडी सपना देखते हैं। लेकिन मैं स्टडीज में वीक हूँ। तुम्हारे मार्क्स देखकर सब पेशेंट हो गए होंगे। एग्जैक्टली, इसीलिए यूएस में शादी करके भेजना चाहते हैं। कांग्रेट्स, तो जाओ। हे हे, वेट 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 वेट, आई एम कमिंग। कुछ ही दिनों में मुझे देखने के लिए एक हैंडसम लड़का आने वाला है। लकी गाइस। अरे हाँ, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया पर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। और क्या जानना चाहती हो? आपके डैडी ने भी कलेक्टर का सपना देखा होगा ना? उनके पास सोने के लिए टाइम हो तो सपने देखे ना, लेकिन जागते में दूसरा ही सपना देखते हैं। अच्छा तो तू है जगदीश? ये जरा धीरे बात कर, भाई नमाज पढ़ रहे हैं। अब बोल। वो 100 करोड़। क्या 100 करोड़? फिर लेट किस लिए? जल्दी से कब्जा कर ले। क्या कहेंगे? उससे कहो कि हम भाई के आदमी हैं। ये बात भाई या पांडू को पता चली तो काम खराब हो जाएगा। दोबारा फोन करना, लैंडलाइन पे करना। अरे पांडू भाई, आपको याद करा था और आप आ गए। फोन पर लगता कुछ डीलिंग की बातें चल रही थी। थर्ड वाइफ से बात कर रहा था, मायके गई ना, नहीं आएगी तो चौथी शादी कर लूंगा, ये कहकर डरा रहा था। यही बात है या कुछ सेटलमेंट है? अरे नहीं नहीं भाई, का साला हूँ मैं। अच्छे कामों के सामने जीजा जी है और राइट पे तुम हो, तो लेफ्ट पे मैं हुआ ना। ये देख, तू भाई का साला ही नहीं, दीदी का भाई भी है, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। नहीं तो कब का टपका दिया होता, मुझे पता है। साले बहुत हाथ पैर मारते हैं कहते हैं, भाई की इज्जत में कमी हुई ना तो तू परेशानी में पड़ सकता है। हाँ। अरे कमिश्नर साहब आइए। नमस्ते सर। नमस्ते पांडू भाई, है क्या? नमाज पढ़ रहे हैं, आ जाएंगे। क्या है कमिश्नर साहब, आपके पुलिस वाले डकैतों को छोड़कर हेलमेट न पहनने वाले को ज्यादा पकड़ रहे हैं। तुम्हें भी पकड़ लिया था क्या? जब इसका सर बचेगा तभी ना हेलमेट लगाएगा। दीदी, कमिश्नर साहब आए, जरा चाय भिजवा दीजिए ना। चाय तो ठीक है, लेकिन तूने नाश्ता किया? नहीं दीदी, टाइम है, भाई के साथ मिलके खा लूंगा। अरे वो बिरयानी के लिए काटे हैं। भूख है ना, इसीलिए पूछा नाश्ता किया है। लेकिन जब तक भाई नहीं खाएगा तेरा पेट कहाँ भरेगा? मेरे साथ भी ऐसा ही है, लेकिन जब तक मैं ना खाऊं पेट नहीं भरता। अल्लाह। नमस्ते भाई साहब। बैठिए। वो क्या है ना भाई, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या हुआ, सिटी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई? नहीं, क्या? आपकी दुआ से वो सब ठीक है। उसमें हमारा कुछ नहीं है, सब ऊपर वाला कहता है, तभी तो हम ये करते हैं। ऐसे ही उस काशी की प्रॉब्लम भी आपको ही देखनी होगी।
मुझे बहुत सारी बातें पता है कमिश्नर। काशी अंसारी के साथ मिलकर बहुत बड़ा ड्रग्स का धंधा कर रहा है। इसके अलावा और भी कुछ इनलीगल एक्टिविटीज हो रही है। आप ही ने काशी को छोड़ दिया भाई, उसे खत्म कर देते तो शहर में गंदगी नहीं होती। हर समस्या का हल खून नहीं होता पांडू। काशी को कब कहां कैसे डील करना है मैं जानता हूं। आप परेशान मत होइए, मैं संभाल लूंगा। काशी, काशी, पापा, माँ, 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 काशी, इतने ही लोग हैं या और भी हैं घर में? तू उस भाई का असिस्टेंट बनकर उसी के साथ रहकर मेरे लिए इन्फॉर्मर का काम करेगा, सरकारी गवाह बनकर उस भाई को जेल भेज देगा ये एग्रीमेंट मेरे साथ करने के बाद। पैसे लेकर तूने अब क्या किया मेरे साथ? तू उस पांडू से डर कर शहर के सारे कामों को छोड़कर यहाँ पर बैठा है, गलत है ना? तूने तो अपना काम नहीं किया, लेकिन मैंने अपना काम कर दिखाया। अब इन डेड बॉडीज को गाड़ेगा या जलाएगा ये काम तू अच्छी तरह से जानता है। ए काशी, मेरे पूरे घर वालों को मर दिया तो मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया? मुझे भी मार दे, मार दे। अब तुझे मारने में कोई ज्यादा टाइम थोड़ी लगने वाला है, तुझे मारने में एक सेकंड नहीं लगेगा। जानता नहीं, अब अपने परिवार को याद रखकर हर सेकंड तड़प तड़प कर मरेगा तू। हाँ, ए काशी मार देना, ए काशी मार देना, ए काशी मार देना। मेरे बाप के ऊपर चिल्लाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे बाप के ऊपर चिल्लाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ए, उस बॉल को एक बार इधर तो फेंक, देखो तो बॉल कैसी होती है। अरे बॉल चाहिए तो दुकान से खरीद लाइए सर, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जाइए तो बैठिए ना। सुपर। अरे बापे, ये लड़की तो यहाँ पर भी आ गई। मैं भी खेलूं क्या? हम लड़कियों के साथ नहीं खेलते। लेकिन मैं तो खेलती हूँ। हम लोग लड़कियाँ लग रहे हैं। कुणाल, कौन है ये एंजल? सोनम, आप सोनू बुला सकते हैं। ये लड़का कौन है? लड़का नहीं, फादर है। तुम्हारा? नहीं, चर्च के। ये चर्च वाली बात छोड़, इसे हमारे साथ ही खेलने दो। ठीक है ठीक है, खेलो खेलो। कम ऑन, चलो। ट्राई टेक इट, गिव इट हियर। चल भाई, ये गेम बीच में छोड़ के क्यों जा रहा है? जरा घर में काम है, बहन का एडमिशन करवाना है। मतलब गेम से ज्यादा तुम्हें अपनी बहन के एडमिशन की चिंता है? ऐसी क्यों बात कर रहा है कुणाल? मेरे घर की प्रॉब्लम तो तुझे अच्छी तरह पता है ना? है ना, तेरी बहन का एडमिशन हो गया, उसे जाकर ज्वाइन करने के लिए बोल दो। ये क्या कह रहा है तू? उसने जिस कॉलेज में अप्लाई किया था उसी कॉलेज से तो मैंने टॉप किया था। अपनी बहन को रिकमेंड नहीं करूंगा तो और किसे करूंगा? और एक बात सुन, उसके डोनेशन के लिए तू घर से जो माँ के जेवर लेकर आया था ना, माँ को जाकर वापस कर दे। थैंक्स कुणाल। सेंटीमेंट अपने पास रख, गेम पूरा कर, चल। आहा, खाना हो तो तुम्हारे हाथों की बिरयानी खानी चाहिए दीदी। घर जाते वक्त बता देना, कुणाल के लिए थोड़ा टिफिन में रख दूंगी। अरे, वो कुणाल के आईएएस की तैयारी कैसे चल रही है? क्या जरूरत है उस आईएएस की दीदी, भाई को पढ़ा लिखा एक बंदा चाहिए। मैंने कहा मेरे साथ भाई के यहाँ काम करो, ना बोल देता है। कुणाल तेरी तरह नहीं है, उसे पढ़ाई और समझ दोनों है, वो जो करना चाहता है उसे करने दे। तुम भी उसी की तरफदारी कर रही हो दीदी। समझदार लोग ऐसे ही बातें करते हैं। भाई तुम्हारी राह देख रहे होंगे, पहले जाओ। हाँ पांडू, क्या कह रही है तुम्हारी दीदी? दीदी कुणाल की तरफदारी ले रही है। तो तुम भी तो मुझे कहाँ छोड़ते हो? अपनी जान को कोई छोड़ता भाई? वो भी तो ऐसा ही है, कुणाल तेला ही तो बेटा है, तेरी आदतें आ गई हैं उसमें। मैं भी ऐसा ही हूँ, आप यहाँ हो तो मैं हूँ। परेशान मत हो, मैं तुझे भेज दूंगा। बात करना बेकार है। क्या बात है सारा? आपसे मिलने कोई। क्या हुआ बेटी? ये
शॉपिंग सेंटर में कपड़े खरीदते समय जब तूने पहन के देख रही थी सब रिकॉर्ड कर लिया। एंगल भी अच्छा आया था। आज शाम 6:30 बजे होटल ग्रीन पार्क में रूम नंबर 420 में तू आएगी। नहीं आई तो इंटरनेट में डाल दूंगा सब। यहाँ दीपक कौन है? रेडी स्टूडेंट्स 1 2 यहाँ दीपक कौन है? ए, मैं हूँ बोल। 5 6 11 मार्शल आर्ट का उपयोग सिर्फ आत्मरक्षा के लिए करते हैं राजा। इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। को तेरे पापा मार रहे हैं, चल जल्दी। अगर दोबारा लड़कियों के आसपास भी दिखा ना तो पेशाब करने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा तुझे, याद रखना। अस्पताल लेकर जाओ जल्दी। आपने जिम में दीपक को क्यों मारा? आपको पता है मैंने ही दोबारा उसे माफ कर दिया था। इसका मतलब उसने तेरे को भी परेशान किया था? पहले पता होता तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। अच्छा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। टुकड़े करना नहीं पापा, शांति से बात करना सीखो। आपको लड़ने और काटने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? उसकी कंप्लेंट पुलिस में कर दी होती वो देख लेते। देखो अब क्या कर लिया। नरमी से पेश आओ तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन आप तो सोचना भी भूल गए हैं ना। ये देखो कितनी गहरी चोट है, चाहे जितना कहो नहीं सुनेंगे। नींद के साथ साथ इनके कान भी उड़ गए हैं। मुझे बात ही नहीं करनी थी, तब अकल ठिकाने आ जाती। क्या है, ऐसे क्या देख रहे हैं? गुस्से में तू मेरी तरह दिखता है पता है। रहने दो, तुम्हारी तरह नहीं दिखना है मुझे, इसकी जरूरत भी नहीं है। जाकर आराम कर। इतनी जल्दी आराम कैसा? हाँ दीदी ने तुम्हारे लिए बिरयानी भेजी है। मुझे बहुत भूख लग रही बेटा। खाओ। कुणाल अभी भी तुम मुझसे गुस्सा हो? गुस्से को मार दिया, गुस्से में आपकी तरह दिखता हूं ना। देखा, अब आपके दिमाग की तरह आपका हाथ भी काम नहीं कर रहा है। मुझसे गुस्सा है ना तू? मैं आपसे गुस्सा नहीं हूं, दर्द है। एक बात सुन लीजिए आप, इन झगड़ों में अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा तो सब कुछ लूट जाएगा ना। छी छी, ऐसा कभी नहीं होगा। देखा घंटी भी बजने लगी। हेलो पांडू, मैं कांस्टेबल अरुण बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। नए सीआई आए हैं, तुम्हें एक बार स्टेशन बुलाया है। आता हूँ, बोल दो। कौन है पापा? कोई नया सीआई है। पुराना सीआई होता तो वो खुद मेरे पास आता, नया सीआई है ना, पुराना होने तक मुझे ही जाना पड़ेगा। बोल, उस रेप केस में कौन कौन इन्वॉल्व था? नहीं जानता सर। बोल। दीपक रेड्डी को क्यों मारा? तूने ही दीपक रेड्डी को मारा था ना? हाँ अभी होंगे, कल कोर्ट में पेश होने पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा। दादागिरी मत दिखा, भाई का आदमी है इसलिए ऐसा बोल रहा है ना। फिर भी हमारे ऊपर गुस्सा क्यों? तुम्हारे कामों को अगर हम कर रहे हैं तो कोई जुर्म कर रहे हैं क्या? जरूरत नहीं है, हमें काम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये वर्दी दी है और हर महीने तनख्वाह भी देती है। तुम जैसे गुंडों का एहसान नहीं चाहिए हमको। अगर तुम लोग अपना काम ठीक से करने लगो तो भीड़ भाई के घर के सामने नहीं, वो तुम्हारे यहाँ लगने लगेगी। इसका मतलब हमारा काम तुम करोगे? कुत्तों का काम कुत्तों को करना चाहिए, गधों का काम गधों को करना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि गधे अगर रास्ता भटक जाते हैं तो कुत्ते उसे रास्ते पर लाते हैं। तुम्हारे यूनिफॉर्म की इज्जत करता, इसलिए बुलाने पर चुपचाप स्टेशन चलाया। आगे कभी मत बुलाना,
वरना अंजाम पूरा हो। खुदा हाफिज हुसैन साहब। सर वो पांडू ने स्टेशन में आकर क्या किया आप नहीं जानते? पांडू जो कुछ भी करता है भाई के कहने पर करता है और भाई लोगों के भले के लिए करता है। तुम नए आए हो इसलिए कह रहा हूँ, आगे से पांडू के मामले में दखल मत देना। सर बट ये देखो मैं इस समय बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। पुलिस खत्म। अरे अब्दुल अब तू पुलिस और हम चोर, ये ले पकड़ लाठी। मैं नहीं बनूंगा पुलिस, पुलिस बेकार है, गुंडों के हाथ से पिटती है, झगड़े के आखिर में आती है। क्या बकरा है तू? हाँ क्या बकरा है? ये क्या बच्चे को क्यों मार रहे हो? उससे पूछो क्यों क्या कह रहा था। बेवकूफ, पुलिस तुम्हें बेकार दिखती है। शहर में पुलिस वालों की इमेज खराब है, अब ये बच्चे भी जानते हैं। स्टेशन में इज्जत नहीं, सड़क पर लोगों को डर नहीं, और घर में भी रिस्पेक्ट नहीं। दिखाऊंगा पुलिस वालों की ताकत क्या है, दिखाऊंगा। अरे बॉल, तू एक बॉल है और तेरे नीचे एक बॉल है। तू यहाँ खाने आता है कि एक्सरसाइज करने आता है? चल एक्सरसाइज कर। ए मामा मेरे डोले तो देख। पहले अपनी शक्ल आईने में जाकर देख। क्या कर रहा है बे? एक्सरसाइज। ठीक है चलने दे। अरे दिन रात खाता रहता है, नीचे कंट्रोल नहीं कर सकता क्या? मैं नहीं। तो क्या मैं था? फिर तूने? मां कसम मैंने नहीं किया। वो नहीं है सिरू, बगल की डांस क्लास से आवाज आ रही है। कुणाल हम एक्सरसाइज कैसे करें? तू पहले जिम बदलवा या म्यूजिक बंद करवा। बंद करवा कर दिया है। हाय सिक, क्या लगता है? स्टॉप इट। क्या हुआ? कान फट गए तुम्हारा बेहुदा म्यूजिक सुन के। ये आवाज नहीं आए तो हमारा मूड नहीं बनता। क्या खाक मूड है, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। व्हाट गाइस, एक साथ दो दो मर्दों को देखकर तुमसे ज्यादा डिस्टर्ब मैं हो रहा हूँ। जाने तो ना मास्टर जी, आवाज कम कर लेते। मैं इन दोनों के बीच में फंसने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम कहाँ घुसी आ रही हो? इस फालतू स्टेज के लिए म्यूजिक जरूरी है क्या? हम वेट नहीं उठा पा रहे हैं। अरे ये क्या, हम तो वो भी उठा लेते हैं। क्या उठा लेगा, उठा के दिखा दो। उठाने को कहकर आंखें क्यों बंद कर ली? हमने वेट उठाने के लिए कहा था, पैर नहीं। वो वेट मैं क्यों उठाऊं? हमारा डांस ऐसा वैसा नहीं है, हाई एवेंट डांस है। तुम्हारा हाई फाई एवन डांस किसको चाहिए, हमारा तो धमाका डांस है। ए सुना, ये भी डांस कर लेते हैं, दिखाओ जरा देखे। कोई डांस वाला हारा वो हारा पड़ा जिसका मुझसे पाला, ऐसा ना वैसा मेरा डांस है निराला। कर सके ना कोई भी डांस ऐसा, अरे डांसर नहीं कोई मेरे जैसा। अरे कौन है डांसर आज चलेगा पता, वो जीता ना कोई मुझसे ना कोई जीतेगा। वो तेरा घमंड ये आज ओलानी टूटेगा। राजा ओ राजा देख डांस मस्ती वाला, हमसा ना हमसा है कोई डांस वाला। तेरी नाजुक कलाई तेरी पंगा ना ले तू हमसे। हार होगी आज तेरी, जीत होगी आज मेरी, कहती हूँ डंके की चोट पे। डांस मेरा है मस्त बाबा, हालत करेगा खस्त बाबा। खेल नहीं है डांस करना, हो जाएगी रे पस्त बाबा। अरे तुझे ना हराया तो नाम नहीं मेरा। ओ
डांस है मेरा इंग्लिश आधा है मेरी स्टाइलिश मेरे डांस के है रूप लाखो नाचो जब झूम के देखे सब घूम के मेरे डांस के दीवाने लाखो लोकल डांस भी मेरा देख लो डिस्को डांस भी मेरा देख लो वेस्टर्न डांस भी मेरा देख लो डांस मेरा बिंदास देख लो ना कोई किसी से यहाँ पे कम के मान लो ओ जीता ना कोई मुझसे ना कोई जीतेगा ओ तेरा घमंड ये आज और आनी टूटेगा जीता ना कोई मुझसे ना कोई जीतेगा ओ तेरा घमंड ये आज और आनी टूटेगा भाई दुबई अंसारी आया है पूरे शहर में हमारा कब्जा हो गया है बस आगे से टाइम पर माल भेजते रहो वो तो ठीक है काशी लेकिन इस शहर में मुझे काम करना है तो सोचकर ही डर लगता है अगर भाई को हमारे बिजनेस का पता चल गया तो कौन है वो भाई वो कोई मुगल बादशाह थोड़ी है जो हम दोनों को उखाड़ देगा यहाँ डायरेक्ट आकर इस काशी के सामने बैठने की हिम्मत है उसे हिम्मत है तो उसे यहाँ बुलाकर देख अगर उसमें हिम्मत नहीं है तो मैं वहां पर जाऊंगा वहीं उसे काट कर उसके खून से तुम्हें नहलाऊंगा आज शाम की फ्लाइट से तुम दुबई जा रहे हो अगर नहीं गए तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं बचेगा हे भाई एक बार पहले भी ऐसे उंगली दिखाई थी तब कुछ काट दिए थे अगर हाथ ऐसे रहा तो हाथ ही काट दूंगा अब वो सब क्यों याद दिला रहे हो भाई आप मेरे बिजनेस में दखलंदाजी मत कीजिए चाहिए तो अपना कमीशन ले लो ए काशी भाई के बारे में जानते हुए भी बात कर रहा तू पांडु स्पीकर ऑन कर हेलो हेलो अंसारी भाई कोलकाता में अपने फैक्ट्री के अंदर बम ब्लास्ट हो गया आप कहीं भी हो जल्दी आ जाइए देख लिया तुम यहां बैठे हो और वहां ब्लास्ट हो गया काशी के साथ बिजनेस किया तो तेरा काला धंधा उखाड़ के रख दूंगा तुझे नस्ते नाबूद कर दूंगा क्या कहा तूने हिम्मत हो तो सामने आओ मुझे उठा देगा उठा दे शहर में तेरे होटल्स बार्स वाइन शॉप न जाने कितने बिजनेस हैं इसके आगे ड्रग्स के इलीगल बिजनेस करने का सोचा भी तो उधर अंसारी की फैक्ट्री की तरह यहां तेरे घर में ब्लास्ट होगा डैडी वो भाई और पांडू यहाँ क्यों आए थे आपने उनको इनवाइट किया था क्या पीने के लिए कोई कंपनी देने वाला नहीं था इसलिए बुलाया था बात करता है उसे मैं क्यों बुलाने लगा वो खुद आया और वार्निंग देकर चला गया तो उनको छोड़ क्यों दिया यही काट देना था सालों को इस समय उन्हें काटना इतना आसान नहीं है शहर में उसकी ताकत के साथ पुलिस भी उसके सपोर्ट में है सही टाइम चाहिए एक्सक्यूज मी मेरा नाम कुणाल है आईएएस का कॉल लेटर मुझे अभी तक नहीं मिला हाँ बाहर साहब ने आपसे मिलने के लिए कहा वन मिनट नाम क्या बताया कुणाल अपने फादर का नाम बताओ पांडु रंगाराव बाई चांस वो भाई के यहाँ है कहीं वो तो नहीं वही है सुंदर राव हाँ तो तुम कह रहे थे वही सस्ता पांडु रंगाराव का लड़का आईएएस पढ़ रहा है ये पांडु रंगाराव कोई और आदमी सोच रहा था तुम सच बोल रहे थे यार
आप लेटर के बारे में बताइए। आपको लेटर नहीं भेजेंगे तो पोस्टल डिपार्टमेंट में कोई जिंदा बचेगा क्या? लेटर आएगा, बाकी लोगों की तरह पांडू राव का लड़का ऑफिस आया तो कैसे चलेगा? लेवल अप डाउन हो जाएगा ना। सुंदर राव, सच में इसने इतने नंबरों से पास किया होगा या इसके बाप ने गले में चाकू रखकर नंबर बढ़वाए होंगे? तो भाई लोग ऑफिसर को धमकाते थे, अब तो खुद ऑफिसर बन रहे हैं, मानने दो हमारा क्या। हाँ वेरी बैड। कितनी टिकट चाहिए ऐसा पूछ रहा था। अच्छा सोनम ये बता, तेरा मैरिज प्रपोजल कहाँ तक पहुँचा? तुम्हें पता है जल्दी अमेरिका से एक NRI आने वाला है। NRI बड़ा मजा आएगा, वो खुद इसकी डैडी को 10 लाख देने वाला है। अच्छा तो सुपर मैम कौन है? कुणाल। कुणाल? हाँ कुणाल। हाय। हाय। इतने दुखी क्यों लग रहे हो? खुश नहीं हूँ इसलिए। खुश क्यों नहीं हो? कुछ हुआ है, तुम छोड़ो। ऐसा क्या हुआ? नहीं बता सकता। ऐसा क्यों? नहीं बता सकता बस। दिन में कहाँ थे? जिम में भी नहीं दिखे। अब मैं वहाँ काम नहीं करता। ऐसा क्यों? नहीं बता सकता। तुम अभी कुछ नहीं बोल रहे हो ना, लेकिन एक दिन जरूर बोलोगे। अच्छा मैं जिम में जाऊँ या ना जाऊँ तुम्हें प्रॉब्लम है? नहीं बता सकती। किसी दिन तुम भी जरूर बोलोगी। फादर, मेरा नाम माइकल है। प्रभु की शरण में नाम जरूरी नहीं है, दिल चाहिए। वही दिल मेरी समस्या है। समस्या का पैदा और खत्म होना दिल पर ही होता है। तुम अपनी समस्या बताओ। प्रेम। प्रेम? लड़की को लेकर आए हो क्या? नहीं फादर, मुझे अभी प्यार हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। अगर उसने मेरा प्यार नहीं अपनाया तो मैं मर जाऊंगा। नो 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 नो, अगर सर पर बाल ना हो तो सर नहीं काटते, बस प्यार भी ऐसा ही होता है। जब वो तुम्हारे प्यार को ठुकराएगी तो अगले ही पल एक उत्तम पुरुष आकर तुझे थाम लेगा। उत्तम पुरुष? हाँ, वो प्रभु तुम्हारे लिए उसे भेजेगा। थैंक यू फादर। वो उत्तम पुरुष दिखने में कैसा होगा? इसको तो प्रभु ही बचा सकता है। कितने दिन और तारीख लेती रहो? अगर ऐसे करते रहेंगे तो केस ढीला हो जाएगा सर। आप जल्दी से डिसाइड करके बताइए। Come in. Hi, मम्मी। आपको पता है कौन है? होने वाले कलेक्टर कुणाल। Am I right? Correct. Take your seat. Thanks. सोनम ये तुम्हारे बारे में काफी बार बता चुकी है, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? ओह, तो इसका मतलब है कि मुझसे पहले मेरी बायोग्राफी यहाँ गई है। कॉफी ले लो। मैं कॉफी नहीं पीता, अगर जूस हो तो ले आइए। ठीक है। देखा मम्मी, हेल्थ कैसी मेंटेन कर रहा है डैडी की तरह। अरे हाँ, तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? अभी कॉफी तो वही लेकर आए थे। वो थे? सॉरी सर, वो मैं सर्वेंट समझकर ऐसे। कोई बात नहीं बेटा, ये जूस ले लो। तुम यहाँ नए हो, इससे पहले हमारे पड़ोस में काम करने वाली नौकरानी ने मुझे यहाँ का नौकर समझकर लव प्रपोजल रख दिया था। मैंने तो हाँ कर दी थी लेकिन इसने मना कर दी। पहली बार अपना लव प्रपोजल बताना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे सीखेंगे कैसे। अच्छा आप क्या करते हैं? मैं हाउस हस्बैंड हूँ। इससे पहले मैं दुबई में शेफ का काम करता था। यहाँ आने के बाद अपनी पत्नी की प्रेस्टीज की वजह से खाना घर पर ही बनाता हूँ। यू आर ग्रेट सर। ऑफ कोर्स, सब इसी तरह बोलते रहते हैं। हाँ आज दोपहर को क्या खाना बनाऊँ? बैंगन की सब्जी। तुम ये बैंगन की सब्जी नहीं छोड़ोगे? आप वो अच्छी तरह से बना लेते हैं ना? मैं अभी आता हूँ बेटा, गैस पर दूध रखा है। ये मेरा रूम है। ये तुम्हारा रूम है? हाँ, चौके क्यों? बहुत अच्छा है इसलिए पूछा। हाँ, very funny. ओप, ये कौन है? कल मुझे लड़का देखने आने वाला है ना, यही है वो। तो फिर ठीक है। लेकिन फिर भी वो देखने आने वाला है ना, टेंशन हो रहा है। आखिर वो अनजान है ना, कैसे बात करूं? तुम पहले हम दोनों भी तो अनजान ही थे ना, लेकिन झट से हाथ पकड़कर डांस करने के लिए कैसे खींच लिया था, वैसे करो। आइडिया, एक काम करते हैं, मैं सोनम और तुम वो आने वाले लड़के हो, एक छोटी सी रिहर्सल। हाय। हाय। लाइफ में तुम्हारी एम्बिशन क्या है? सिविल सर्विस पूरी करनी है और उसके बाद IAS ऑफिसर बनकर पब्लिक की कुछ हेल्प करनी है। और तुम्हारा एम्बिशन? मुझे पब्लिक सर्विस नहीं चाहिए, प्राइवेट सर्विस ठीक है। रोज के 10 कोल्ड ड्रिंक्स पीऊंगी, 4-5 फिल्म्स देखूंगी बस। अगर तुम ऑफिस से थक कर आओगे तो कॉफी भी नहीं दूंगी। मैं खुद बना कर दे दूंगा।
कुकिंग भी नहीं करूंगी। तुम्हारे पसंद के होटल में ऑर्डर देकर डिलीवरी लेकर आऊंगा। लेकिन बच्चे, उनकी डिलीवरी भी मुझे करनी होगी। नो नो, वो मैं खुद कर लूंगी। हेल्प के लिए थैंक्स। लेकिन बच्चों के ड्रेसेस, नाना, वो सब तुम्हें देखना होगा। तुम्हारी और कोई इच्छा हो तो बता दो। इच्छाएं? हाँ, मुझे बारिश में भीग कर डांस करने की बहुत इच्छा है। और तुम्हें? जब तुम भीगती हुई डांस करोगी तब देखने की इच्छा है। फिर मुझे जुकाम हो गया तो? मैं विक्स लगाऊंगा ना। विक्स से ठीक हो जाऊंगी? और अगर ठंड से बुखार आया तो? मैं कंबल से तुम्हें ढक दूंगा। फिर भी ठंड कम नहीं हुई तो? तो मैं खुद कंबल में घुसकर तुम्हारी ठंड दूर करूंगा। तुम मेरे साथ? इसमें गलत क्या है? मैं तुम्हारा पति ही तो हूं। पति होना? तब तो तुम्हारी मर्जी। ओ डैडी, हम खुद कंबल से बाहर आने वाले थे। कंबल में से? वो रूम में से बाहर आने वाले थे। तुम बाहर नहीं आए इसलिए हम अंदर आ गए। हाँ, ये तुम्हारी आईएएस प्रिपेयर करने में काफी मदद करेगी। थैंक्स आंटी, मैं चलता हूँ। बाय। हाँ ठीक है बेटा, बाय। हाँ, तुम्हारी माँ के लिए बैंगन की सब्जी बना रहा हूँ और तुम्हारे लिए फ्राइड राइस। ओके ओके, चलो। ऐसे ही बार बार करोगी तो बॉडी तुम्हारी शेप में आ जाएगी। गीता, मेरी पपीता, मेरी भाग्य विधाता। हाय, देखा मेरी आंखें कितनी लाल है? कुछ इन्फेक्शन है क्या? नहीं, इन्फेक्शन से। तुम्हारे लिखे लेटर को बार बार पढ़ता रहा, रात भर सोया नहीं। उसे मैंने नहीं लिखा था। बस ट्रांसफर किया था। ट्रांसफर किया था तो लिखा किसने था? मैंने। तुमने? तुमने? सिनु, तुम्हें एक बात बताओ, उसके लिए क्या कपड़े फाड़ के बताओगी क्या? हाँ, इधर तो देखो, कपड़े पहने ही बताऊंगा। मैं तुमसे प्यार लव करता हूँ, तुम्हारे साथ जीवन 50-50 करना चाहता हूँ। हाँ, क्या 50-50 करने के लिए मेरे जैसे 50-50 छोड़े हूँ? मैं चलता हूँ। सीनू, मेरा दिल मत तोड़ो। दोबारा मेरे रास्ते में आया तो थोपड़ा तोड़ दूंगा। सीनू, सीनू। आपकी उम्र 35 वर्ष है क्या? तुम क्या समझते हो मुझे? With whom you are talking? You know, मेरे सामने सब नहीं चलेगा। मैं जेंटलमैन हूँ, आई एम ए उत्तम पुरुष। इसका मतलब फादर ने ठीक ही कहा था। किसके फादर ने? तुम्हारे फादर ने? नहीं, चर्च के फादर ने। मेरा लव फेल होते ही मुझे उत्तम पुरुष मिलेगा, उस फादर ने कहा था। कहा था? अब वो खुद ही आकर फंस गया। वो मैं हूँ, मैं हूँ। बेटा, एक बार लड़की को तो देख लो बेटा। क्यों? लैपटॉप में देख रहा हूँ ना। अमेरिका से लड़की को लैपटॉप में ही देखने आए थे क्या? यू नो, दिस इज माई सेकंड मैरिज। सॉरी, मेरी पहली शादी कंप्यूटर से हो चुकी है। जोक मारा? गहराई, मैं जो भी कहता हूँ यहाँ से कहता हूँ। भयंकर बातें भी बड़ी गहराई से करते हो। बेटी, तुम भी लड़के को लैपटॉप में ही देख लो। नहीं डैडी, क्या मैं अकेले में बात कर सकती हूँ? ओके, बट वन कंडीशन, मेरे साथ मेरी फर्स्ट वाइफ भी आएगी। ओके, हाय। हाय, तुम्हारा एम्बिशन क्या है? मुझे बिल गेट्स की तरह मेन गेट्स बनाना है। उन्होंने विंडोज का आविष्कार किया था, मैं डोर्स का करूंगा, क्योंकि खिड़की के मुकाबले दरवाजे बहुत बड़े होते हैं, आराम से काम कर सकते हैं ना। लाइफ में तुम्हारी इच्छाएं क्या है? एक्चुअली मेरी लाइफ में तीन चीजों की बहुत इच्छा है। यू नो, नंबर वन कंप्यूटर्स, नंबर टू कंप्यूटर्स, बट नंबर थ्री ये कंप्यूटर ही है। आई टू लव थ्री थिंग्स मोस्ट इन माई लाइफ। नंबर वन, रोज कम से कम दिन में 8 घंटे जगे रहना, यानी बाकी के 16 घंटे सोती रहोगी क्या? नंबर टू, मिनिमम 4-5 फिल्में रोज देखूंगी। इसका मतलब अमेरिका में हमें सीडीएस रखना पड़ेगा। एंड नंबर थ्री, बारिश में भीग कर डांस करना चाहती हूँ। अरे बापरे, लगता है लड़की फिल्मों में बारिश के गाने देखकर बिगड़ गई। बारिश में भीगने पर तुम्हें बुखार आ गया तो? अगर मुझे बुखार आया तो तुम क्या? तुम बारिश में भीगोगी तो मेरा ही भीगेगा ना। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा, वहाँ का बिल भरना पड़ेगा। तुम एक बात जानती हो, अमेरिका के अस्पतालों में मरीज से पहले बिल भरने वाला ही भर जाता है।
नहीं पता था क्या है ये कुणाल, तुमने जो बोला था उसके एग्जैक्टली रिवर्स बोल रहा है। तुम्हारे डैडी को ये कंप्यूटर कार्टून कहाँ से मिल गया? हाँ कुणाल, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। कुणाल, ये कंप्यूटर में वायरस की तरह कुणाल कहाँ से आ गया? बाजू में ही तो खड़ा है। यहाँ तो कोई नहीं है, तुम किससे बात कर रही हो? इतनी मोटी लेंस का चश्मा पहना है फिर भी नहीं दिख रहा है क्या? ए भगवान, पिताजी अगर मैं कुछ देर और आ ना तो मेरा सारा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। आई डोंट वांट सेकंड मैरिज, वी आर मेड फॉर ईच अदर ऑलवेज। वो लड़का वापस चला गया। क्यों, तुम लड़के को पसंद नहीं आई क्या? नहीं, वो मुझे नहीं पसंद आया। क्यों पसंद आएगा, जब बादशाह जैसा लड़का सामने बैठा हो तो उस बेवकूफ को कौन पसंद करेगा? तो कुणाल क्या कहेगा? अपनी बेटी को देखकर कोई मना करेगा क्या? आखिर वो मुझ पर गई है ना। क्या कहा, तुम्हारे पर? तब तो मुश्किल है। मुश्किल? मेरा रिश्ता कैंसिल हुआ तो तुम्हें कैसी मुश्किल? तुम जल्दी से शादी करके जाओगी तब खुश होऊंगा ना। अगर इतना ही खुश होना चाहते हो तो मेरे लिए एक लड़का ढूंढो। ग्रेट आइडिया। क्या 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारी परफेक्ट मैरिज करवा के दिखाऊंगा। काउंटडाउन स्टार्ट नाउ। बाय। सर, जेल से भागा हुआ कपाली आज शहर में देखा गया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। तुझे सुनाई नहीं देता क्या बेवकूफ? क्यों मार दिया इसे? ये बहुत बड़ा क्रिमिनल था सर, 2 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक के भाग रहा था, लेकिन एक बहुत बड़े केस में ये आई विटनेस था, मार डाला। तेरे इसी काम की वजह से मुझे पूरा केस बंद करना पड़ेगा। मेरे सामने ही इसको मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सर हुसैन, सर मैं खुद आपको फोन करने वाला था, इस पांडू ने जो कुछ हुआ मैं जानता हूँ। तुम एक काम करो, पांडू को जल्दी वहां से भेजकर एनकाउंटर केस बनाकर फाइल क्लोज कर दो। खुदा हाफिज हुसैन साहब। हेलो। हेलो सर, कोई लड़का मिला क्या? इतनी जल्दी क्या? गुड्डा थोड़ी है कि दुकान से खरीद लूं, एक दिन का टाइम मांगा है ना। हेलो। कोई मिला? ऑलमोस्ट मिल ही गया। तुम्हें पसंद आया? क्यों नहीं आएगा, बचपन से देखता आ रहा हूँ ना। ओह, ऐसा है क्या? वो तुम्हारे लिए ठीक है लेकिन तुम उसके लिए ठीक रहोगी ये डाउट है। मुझ में क्या कमी है, मैं सुपर्ब हूँ। तुम उसे लेकर आ रहे हो ना, बताओ कितनी देर में आ रहे हो? कहा ना थोड़ी देर में लाता हूँ, थोड़ा इंतजार तो करो। मैं इंतजार नहीं करूँ, अभी आओ। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी नहीं आ सकता। मुझसे भी बिजी हो, क्या कर रहे हो बोलो। वो अरे बोलो बोलो। नहीं बता सकता मैं कहाँ बैठा हूँ। हेलो कुणाल, कहाँ हो तुम? आज तो मेरे परफेक्ट मैच को लेकर आने वाले थे ना? वही है तुम्हारे बगल में। तुम क्या बोल रहे हो, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। मुड़कर देखोगे तो पता चल जाएगा। सच
सच बताना तुम इसे ही देखना चाहती थी ना? तेरी नजरों का दिल पे है तीर चला, लो शुरू हुआ चाह का सिलसिला, ये इश्क का रोग हमें लगा, तेरी नजरों का दिल पे है तीर चला, लो शुरू हुआ चाह का सिलसिला, ये इश्क का रोग हमें लगा, होता है इश्क एक दिन जानम देखो सबको, आई लव यू कहते हैं सभी एक दिन जाने मन को, ये इश्क तो है फैशन, ये इश्क तो है टेंशन, यू आर सो फाइन माय रेड वाइन माय एवरीडे लव सनशाइन सनशाइन। अब क्या सोचना, मुश्किल है अब तो खुद को ही रोकना, इश्क है खुदकुशी, पर करते हैं ये सभी, हम तेरे हैं दीवाने, बिन तेरे अब जीना क्या, ये प्याला है इश्क का, अब तेरे बिन पीना क्या, तू है मुकलर की फ्यूजन, तू है बड़ी ही उलझन, मेरे तन मन जाने मन, मेरे दिल की तू ही धड़कन, कितने नजरों के सामने, पर तूने जिया चुराए लिया, किया है बेपनाह तेरे ही प्यार ने, ओ मेरी प्रिया तेरा शुक्रिया, किया है दिल से प्यार नहीं कोई दिल लगे, ओ कर दी है तेरे नाम मैंने सारी जिंदगी, ओ इश्क है जन्नत ये मिलेगे तेरी नजरों का दिल पे तीर चला, लो शुरू हुआ चाहत का सिलसिला, ये इश्क का रोग हमें लगा, तेरी नजरों का दिल पे तीर चला, लो शुरू हुआ चाहत का सिलसिला, ये इश्क का रोग हमें लगा, अच्छा बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे पापा के पास। क्यों? कुछ नहीं, उन्हें दो बातें बतानी है, एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज क्या है? यही कि उनके लड़के को प्यार हो गया है और जल्दी ही शादी करने वाला है। और बैड न्यूज क्या है? तुम उसकी बहू बनने वाली हो। वेरी फनी। हे, अब कैसा है सीनू?
क्या हुआ था सिनू? मुझसे क्या छुपा रहे हो? बोलो। आप लोगों से कोई बाहर मत जाए, पोजीशन बहुत खतरनाक है सर, बाहर निकलते ही मार देंगे कह रहे हैं। कम से कम पुलिस को फोन तो कीजिए सर। ठीक है। भाई हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है भाई। आपको ही हमारे पैसे वापस दिलाने पड़ेंगे भाई, ये चीट फंड वाले ने हमें धोखा दिया। ए, चुपचाप दरवाजा खोलेगा या इसे तोड़ के अंदर आ जाऊं? ये कहां है तेरा मैनेजर? अंदर नहीं है। पैसे इनको देने थे, दिए बगैर कहां भाग गया? वो क्यों भागने लगे? पैसे पूछने के लिए पुलिस है, कानून है, तू कौन होता है पूछने वाला? सुरेश सर, एक बात का ध्यान रखो सर, इनमें से कोई भी गवाही देने के लिए अगर तैयार हो गया तो उस पांडू को अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। सर वो पांडू का बेटा कुणाल है। कुणाल? चल पुलिस स्टेशन। किस लिए? तुझे क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, चल। क्यों बे, बाप और बेटा क्या समझते हो तुम लोग? लोगों को डराकर सारे शहर पे कब्जा कर लोगे? प्लीज, मैंने किसी को नहीं डराया। तो अस्पताल क्यों आया था? मेरे एक दोस्त को चोट लगी थी इसलिए। वाह, क्या नाटक है ये तेरा? तेरा बाप सबको मारता फिरता रहता है और तू ऐसे अनजान बन के सबको दिलासा और सहानुभूति देता रहता है। तेरे दोस्त को अस्पताल भेजने वाला तेरा बाप ही तो है, क्या कहेगा तू इस पर? आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, मुझे जाना है। तू कहाँ जा रहा है? आने दे, रिकमेंडेशन फोन आएगा ना, वो भाई एक गॉडफादर बन के बैठा है और तेरा बाप उसका चमचा। आप इज्जत से बात कीजिए। कैसी इज्जत? गुंडे और भाइयों को इज्जत कोई देता है? अपने बाप की तरह क्या देख रहा है? इंस्पेक्टर, कुणाल को पुलिस स्टेशन क्यों लेकर आए? जल्दी में बोलूं या पूरी दास्तान सुनाऊं? सीधे से बताओगे तो चलेगा। भाग्यनगर चिटफंड कंपनी में हुए झगड़े के पूछताछ के लिए लाया हूं। उससे कुणाल का क्या लेना देना? संबंध है, तुम नहीं जानती, इसका बाप पांडू बहुत बड़ा गुंडा है, इस झगड़े का कारण भी वही है। बाप के किए जुर्मों को बेटा भुगते, ऐसा कोई नया कानून बनाया गया है क्या? मैडम देखिए इंस्पेक्टर, कुणाल कोई रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ही नहीं बल्कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में टॉपर है। बिना वजह अगर आपने उसके रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की तो मैं शांत नहीं बैठूंगी। आई विल गो टू कोर्ट। देख, ये पहली और आखिरी वार्निंग है, आगे दोबारा कहीं झगड़े में दिखाई दिया तो लॉयर नहीं लीडर आएंगे तो भी नहीं बच पाएगा। बहुत बहुत थैंक्स आंटी। ओके कुणाल, बाय। बाय। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हुए? मुझे क्या होगा, मैं तो बहुत खुश हूं। आज का दिन यादगार होना चाहिए, इस दिन को डायरी में लिखना चाहिए। फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। पुलिस स्टेशन? तूने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हारा बेटा बनकर पैदा हुआ कुणाल। भाग्यनगर के चिट फंड बैंक में तुमने दादागिरी दिखाई, वहां मेरे दोस्त सीनू को चोट लगी, उसे देखने हॉस्पिटल गया तो मुझे पुलिस थाने ले गई। कौन है जो तुझे थाने लेकर गया? किस लिए? अब तुम अपनी दादागिरी उन्हें दिखाओगे? देखो पापा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, अगर इस झगड़े में सीनू मर जाता तो? सीनू उस झगड़े में कैसे फंस गया पता नहीं। नहीं पता? तुमको कुछ नहीं पता? जब तुमने जिम में दीपक को मारा था
उसके बाद तुम्हारा बेटा होने के कारण मैंने वो जॉब छोड़ दिया। तुमको पता है जब मैं अपने इंटरव्यू कॉल लेटर के लिए सिविल सर्विस के ऑफिस में गया तो कैसी कैसी बात कर रहे थे, ये तुम्हें पता है? तुम्हें अगर कुछ बोलूं तो तुम दोबारा झगड़ा करोगे, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो भी तुम्हें नहीं पता, तुमको सिर्फ एक ही चीज पता है, तुम और तुम्हारी भाईगिरी। वो तो किस्मत से सीनू अभी जिंदा है, मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए। वो क्या ना जय, उस चीट फंड कंपनी ने लोगों को धोखा दिया इसलिए मैं वहां पे जाके। तुम कौन होते हो? तुम कोई पुलिस हो, लॉयर हो या जज हो? देखो पापा, जो पेशेंट मौत से जूझ रहे हैं उन्हें डॉक्टर ही बचा सकता है, तुम बचा सकते हो क्या? हवाई जहाज पायलट ही उड़ा सकता है, तुम या भाई उड़ा सकते हैं क्या? कोई किसी के काम में अगर दखल अंदाजी ना करे यही सबके लिए बेहतर होगा। मैंने गलती की है मैं मानता हूँ, खाली इस बार मुझे माफ कर दे। मैं तुमको क्या माफ करूंगा, मैं तुम्हारा बेटा बनकर पैदा हुआ इसलिए तुम मुझे माफ करो। लड़कियां जब छोटी होती है तो स्वीट दिखती है, बड़ी होने पर गुस्से वाली हो जाती है। क्या करूं डैडी, जब से कुणाल ने अपने डैडी से झगड़ा किया है तब से वो हमेशा उसी मूड में रहता है। इतनी खुशी की बात है पर फिर भी वो खुशी नहीं है। तुम्हारी समस्या तो खत्म हो गई। देखो बेटी। क्या कहा, कोई मिठाई है क्या? सीक्रेट। Congratulations, बेटा, congratulations. दिल्ली कब जा रहे हो कुणाल? कल शाम को आंटी। कुणाल, तुम दिल्ली जा रहे हो इस खुशी में सारा इंतजाम किया है और ये स्पेशल मिठाई भी बनाई है, ले लो। थैंक्स अंकल। अगर ये खाए तो दिल्ली नहीं जा पाओगे, बाथरूम में चले जाओगे। मजाक करना मैं भी जानता हूँ। कुणाल, तुम्हारी समस्या तो खत्म हो गई, अब जो समस्या हमारे घर में है उसे अपने घर कब लेकर जाओगे? मैं क्या तुमको समस्या लगती हूँ? देखो बेटी, लड़कियाँ जब छोटी होती हैं तो स्वीट दिखती है, बड़ी होने पर गुस्से वाली हो जाती है। समस्या नहीं अंकल, मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, पढ़ाई, फ्रेंड्स, प्यार, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा बैकग्राउंड जानते हुए भी आपने मुझ पर विश्वास किया। ये ग्राउंड बैकग्राउंड किसे चाहिए, हमारी बेटी ने तुम्हें पसंद किया था और तुम्हारे व्यवहार से प्यार किया। तुम्हारे जैसा दामाद पाना हमारी किस्मत है कुणाल। अरे वाह, लॉयर होते हुए तुम सच बोल लेती हो। ले लो बेटा। देखो पांडू, बच्चों को हम अपनी तरह से पाल लेते हैं, लेकिन उनकी इच्छा और सपनों को हम अपने मुताबिक नहीं बना सकते। कुणाल अभी घर में ही है। नहीं है दीदी, किसी होटल में अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा है। फिर क्या है, तुम भी जा सकते हो ना वहाँ। गया तो भाव देगा मुझे, मेरी शक्ल भी नहीं देखेगा वो। ऐसा क्यों पांडू? सीनू को पड़ी मार से ज्यादा कुणाल के दिल में चोट लगी है और हम दोनों के बीच में दूरियां भी बढ़ गई है। ऐसा क्यों सोच रहा है, तू पार्टी में जा, देख वो कितना खुश होगा, मैं जानती हूँ। भाई, भाई, भाई। क्या हुआ महेंद्र भाई? अरे उस सूरी ने मेरे बच्चे भाई को दिल्ली गए, पहले बताओ हुआ क्या? मेरे बच्चे। हाँ जानता हूँ, क्या हुआ आनंद को? ये चमचमाता हॉल, कलरफुल लाइट्स और लड़कियां भी हैं, लेकिन पुराने दोस्तों को भूल गए। कोई बात नहीं सूरी। अरे बाप रे, छी 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 छी, ये कैसा म्यूजिक लगा रखा है? ए, म्यूजिक चेंज करो। छी छी इडियट। वू हे हो 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 हे। प्लीज डिसेंटली पेश आओ, ये शरीफों की पार्टी है। क्लीन है मतलब हम लोग क्लीन नहीं है क्या? तू जानता मैं कौन हूँ? तू जानता मैं कौन हूँ? सूरी, सूरी। उस सूरी ने मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया।
आगे कभी झगड़े में दिखाई दिया तो लॉयर नहीं लीडर भी नहीं बचा पाएगा। हेलो। हाँ हुसैन। पांडू और उसके लड़के को तुरंत छोड़ दो। हेलो 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 हुसैन। हेलो 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 हेलो। ये एक और पागल। वाह क्या सुपर धुलाई की तूने। सुपर धुलाई। तेरी मार से हर एक की हालत खराब हो गई थी। सारे मुक्के यहां 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 रिकॉर्ड हो गए। उसी को रिवाइंड कर करके देख रहा हूं। पता है
इतना अच्छा लगा? और नहीं क्या, मैं मूछों पे ताव देने लगा। इतना पावर शरीर में रख के तू बेवकूफों की तरह घूमता है। पापा, ये सब होने के बाद मेरे फ्यूचर का क्या होगा, ये आप नहीं समझ पा रहे। इस समय मुझे इंटरव्यू के लिए फ्लाइट में होना चाहिए था और मैं यहाँ पड़ा हूँ इस लॉकअप में। भाई अभी शहर में नहीं है, फोन पे नहीं मिल रहे हैं। फोन मिलते ही हमें बिल मिल जाएगी, हम तो यहाँ आते ही रहते हैं। तूने सीरियसली उनको पीटा इसलिए लॉकअप में है। थोड़ा चेंज हो गया ना? थोड़ा चेंज नहीं हुआ है पापा, बहुत बड़ा चेंज है। मैंने जो चोट मारी है उनके शरीर पर नहीं मारी है, अपने फ्यूचर पर मारी है। क्या इतनी सी बात पे फ्यूचर की बात कर रहा है? भाई के साथ रहेंगे ना तो भविष्य हमारे पैरों पे पड़ा रहेगा। भाई भाई भाई, हर जगह उन्हीं का नाम। इतनी इज्जत देने वाला आदमी है क्या वो? बाकी लोगों के लिए वो एक आदमी हो सकता लेकिन मेरे लिए भगवान है। रहने के लिए घर और खाने के लिए रोटी नहीं होती ना, तो किसी कोने पर भिखारी की जिंदगी जी रहा होता मैं। एक बहुत बड़े हादसे में काफी लोगों के मर जाने पर भाई ने मेरी जान बचाई थी। आज पांडू के नाम पर सोसाइटी में एक इमेज, एक इज्जत है। ए, अगर भाई नहीं होते तो आज मैं सड़क पर कुत्तों की तरह घूम रहा होता। अब भी वही हो रहा है, सड़क का कुत्ता घर का कुत्ता बन गया है। ये जानकर भी तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो? मुझे बचाने वाले आदमी के पास कुत्ते की तरह रहने में कुछ गलत नहीं है। सर, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकता, मुझे दूसरे लॉकअप में डालिए। दूसरा लॉकअप मतलब उसमें एसी रूम, सर्विस रूम, हाउसकीपिंग सब होना चाहिए क्या? चुपचाप पड़ा रहे? इस पुलिस स्टेशन में नया आया क्या जो बकवास कर रहा है? अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो इसी ताले से तेरा सर फोड़ दूंगा। यहाँ पर भी आपकी गुंडागर्दी? गुंडागर्दी नहीं है, लॉकअप में रहने वाले को इतनी इज्जत तो देनी चाहिए ना। तू नया आया ना इसलिए तुझे पता नहीं है। विजय कुमार। सर। गेट खोलो। ए, तू इधर आ। उसे क्यों? उसे तुम्हारी कंपनी पसंद नहीं आई ना, नया नया अरेस्ट हुआ है ना, बार बार आना है ना, इसके लिए अलग लॉकअप अरेंज किया है। तू इधर आ। तुझे पहले ही कहा था ना, दोबारा कहीं झगड़े में दिखाई दिया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर, मैंने जानबूझकर झगड़ा नहीं किया था, दोस्तों के साथ मैं होटल में एंजॉय कर रहा था तो बाहर झगड़ा होने लगा। मैंने बाहर आकर देखा तो वो लोग मेरे पापा को मार रहे थे। बेटे के सामने अगर कोई बाप को मारेगा तो कोई कैसे शांत रह सकता है? पता नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे अब्बू तो बचपन में ही मर गए थे। लेकिन तेरे पापा कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है जो उसे बचाओगे। लेकिन मैं तो उनका बेटा हूं ना। उसी पर तो मुझे शक हो रहा है, सच में तू पांडू का ही लड़का है क्या? वो एक गुंडा है और तू एक गोल्ड मेडलिस्ट है, उसे तो अखबार भी पढ़ना नहीं आता। इस तरह के आदमी क्या तेरे जैसे लड़का हो तो शौक की बात है ना। ऐसा तो नहीं तेरा बाप गुंडा है ये जानकर तेरी माँ डर के उसके साथ घर ना बसाकर किसी और के साथ? अरे वही कहते हैं ना, हाँ, पढ़े लिखे आदमी के साथ घर बसाकर तुझे यहाँ फेंक दिया होगा, समझ गया ना तू? पाला हुआ खून मुझे दिखाया तूने, उसी खून की गर्मी दिखाऊंगा तुझे। कुणाल, चलो सोनम। कुणाल, घर नहीं चलोगे? कौन सा घर? उस आदमी का घर? उसके घर में तो क्या, उसकी गली में भी कदम नहीं रखूंगा, उसकी परछाई भी नहीं देखूंगा।
जो हुआ सो हुआ, अब सोचना छोड़ दो। पीछे गुजरे टाइम के बारे में सोचते बैठोगे तो वहीं रह जाओगे। मेरी दिल्ली में सिविल सर्विसेज में काफी पहचान है। तुम्हारी? तुम्हारी जान पहचान मेरी तो हुई ना। आंटी के दोस्त सिलेक्शन ग्रुप में हैं, उनके द्वारा कोशिश की जाए तो तुम्हारा दोबारा फाइनल इंटरव्यू का चांस मिल सकता है, मतलब अगर तुम उनसे बात करो तो। पापा, आपके कोई दोस्त आए हैं? अब्दुल, कौन सी क्लास? फोर्थ क्लास। पांडू प्लीज, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। तेरे लड़के के सिर पर प्यार से हाथ रखा तो तेरी हालत खराब हो गई ना? लेकिन मेरे सामने मेरे लड़के को कितना मारा था तूने? बहुत बड़ी गलती की थी। पांडू, मेरी बात मान ले, उसे छोड़ दे। बहुत दर्द हो रहा है ना? ए, बिल्ली हो, शेर हो, पुलिस हो या गुंडा हो, अपने बच्चे को चोट लगे तो खून सबका खौलता है, समझ में आई बात? ये क्या हो रहा है? पांडू प्लीज, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, उसे कुछ मत करना। आंख के बदले आंख, पैर के बदले पैर, यही मेरा उसूल रहा है। लेकिन मैं भी एक बाप हूं, इसलिए उसूल थोड़ा बदल देता हूं मैं। तू इधर आएगा तो तेरे लड़के को वहां भेज दूंगा। अपना हाथ अंदर डाल। उससे कहा हाथ अंदर डाल। बेटा, मां के पास जाओ। झगड़ा हो या दुश्मनी, वो तेरे मेरे बीच में रहे, इसमें तेरे मेरे लड़के ने क्या गलती की है? अगली बार मेरे लड़के पर नजर डाली तो थमके नहीं, तुझे उड़ा दूंगा। खुदा हाफिज हुसैन साहब। कुणाल, तुम्हारे पापा कितने परेशान होंगे, एटलीस्ट तुम्हें एक फोन। क्या बात करूं, उनके और उनके जीने के तरीके की वजह से मैंने जिंदगी में न जाने कितनी बार चोट खाई है। शरीर पर लगे घाव भर सकते हैं, लेकिन उनके कर्मों से, बचपन से मेरे दिल में लगे हुए घाव अब तक मुझे परेशान कर रहे हैं। तू परेशान क्यों हो रहा है? उसने कोई पढ़ाई करके इतने अच्छे मार्क थोड़ी ना लाए है। उसका बाप बहुत बड़ा गुंडा है ना, नंबर ना देने पर मारने की धमकी दी होगी, उसके डर से इतने अच्छे नंबर दिए होंगे। पापा, कुणाल खाना नहीं खाया? आप गुंडे हो क्या? गुंडा हो? बोला ना पापा, आप गुंडे हो। ऐसा किसने कहा तुमसे? मेरे साथ जो संतोष पढ़ते ना, उसने कहा आप गुंडे हो, सबको मारते हो। अरे धत तेरी, मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं भाई के पास मैनेजर हूँ, उसने तुम्हें सताने के लिए ऐसा बोल दिया होगा। पापा पता है, आज मैं क्लास में फर्स्ट आया। हा? सच? अब समझा मैं उस संतोष की बदमाशी। तू फर्स्ट आ गया इसलिए उसने मुझे गुंडा बना दिया। तू मेरा अच्छा बेटा है ना? मेरे दादा लॉयर, मेरे पापा लॉयर, इसलिए कल मैं भी लॉयर बनूंगा, लेकिन तू गुंडा बनेगा। क्या करा? मैं गुंडा बनूंगा? मैं गुंडा बनूंगा? अभी तूने क्या किया? तू भी गुंडा नंबर वन है। ए, इसकी दोस्ती नहीं चाहिए, चलो यहाँ से चलते। उस समय मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए ये पता नहीं था, लेकिन उस समय मेरी पढ़ाई ने मुझे संभाला था। मैं कहीं बुरा ना बन जाऊं, इस डर से मैं घबरा जाया करता था, घबरा जाया करता था, घबरा जाया करता था, घबरा जाया करता था। बाप बेटे दोनों को मौका मिल रहा है, इसीलिए बदला ले रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? उनका कुछ करना ही पड़ेगा। करना ही नहीं, जब तक वो भाई के साथ है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। उसका टाइम
आइए अंकल, कैसे आप? पहली बार तुमसे पुलिस स्टेशन के बाहर मिला, ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा है मुझे। उस दिन वो मुझसे नाराज होकर चला गया तो बड़ी तकलीफ हुई थी मुझे, लेकिन तुम उसके साथ हो ये सोचकर बड़ी खुशी हो रही मुझे। मैं तो एक बाप हूं ना बेटी, मेरी जान भी तो उसके साथ ही रहेगी ना। कुणाल को देखे बिना आज तक कभी भी नहीं रह पाया मैं। आप परेशान मत होइए, इंटरव्यू मिस हो गया ना, इसलिए आप ज्यादा परेशान है। थोड़े दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो विश्वास नहीं है। नहीं अंकल, बाहर से वो ऐसा बोलता है, लेकिन आप कुणाल की जान हो। आइए कुणाल से थोड़ी बात कीजिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, अब तक उसे अपना इंटरव्यू खत्म करना था, मैंने लॉकअप में बैठा दिया। अब तक मैंने उसके दिल को कई बार चोट पहुंचाई है, अभी भी वो मुझसे नाराज है। पुलिस स्टेशन के बाहर मेरी परछाई देखने से इनकार कर दिया, अब वो मुझसे बात कैसे करेगा? एटलीस्ट देख कर तो जाइए। क्या सोच रहे हो? पता नहीं, मुझे लगता है पापा यहाँ आएंगे। पर वो क्यों आएंगे? उनका तो भाई है ना, उसे छोड़कर कैसे आएंगे? गलती चाहे जिसने भी की हो, जल्दबाजी करके काशी के उस लड़के को पीट डाला, उसने हुसैन के हाथ को तोड़ डाला। कौन सा हाथ था? खैर कोई भी हाथ हो, रजिस्ट्रेशन तो क्या बाथरूम भी नहीं जा सकता। वैसे भी हुसैन हमारे पीछे पड़ा है, इसने वहाँ पेट्रोल डाल दिया है। बहुत बोलिए, तू चुप बैठेगा? चुप नहीं हुआ तो मेरा भी हाथ तोड़ देगा। ये सब आप ही देख लीजिए जी। हुसैन को पहले भी दो बार छोड़ दिया था। मैं समझ गया पांडू, तुम लोग जो कुछ करोगे उसका कुछ न कुछ कारण जरूर होगा। हम कोई गलती करके फंसे, इसीलिए हुसैन हमारे पीछे लगा हुआ है। इस बार भी पांडू भाई को भेजना, पैर तोड़वा देंगे, कहीं भी आने जाने के लायक नहीं बचेगा। पांडू, इस समय पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तुम्हें अपने घर में ही नहीं बल्कि यहाँ भी रहना सेफ नहीं। मैं कमिश्नर से बात करके सिचुएशन देखता हूँ, तब तक किसी को दिखाई मत देना। राजा, तुम पांडू के साथ ही रहना। दूर से देखने पर हम दलीप कुमार सारा बनो लग रहे हैं ना। भगवान, हाथ हटाओ। कुणाल, तुम्हें देखकर हमें दया आ रही है। दया कैसी? हम बाहर जा रहे हैं ना, इसलिए। बाहर जाने में दया कैसी? अरे हमारे कजिन की लड़की की शादी है ना, तो जाइए। तो हम 3-4 घंटे वही रहेंगे ना। तो रहिए, तुम्हारे साथ सुमन जो रहेगी ना, तब तो इस पर दया आनी चाहिए। आप सोनम को लेकर जाइए ना। कैसी बात करते हो कुणाल, तुम घर में अकेले कैसे रहोगे? देखा मेरे ऊपर मम्मी को कितना विश्वास है। तुम्हारे ऊपर नहीं बेटा, कुणाल के ऊपर। ध्यान से बेटी। नहीं नहीं, तुम संभल के रहना कुणाल। प्रोग्राम देख रहा हूं ना, हटो। ओह, तो नाइट ड्रेस पहन ली है। तो फिर जाकर सो जाओ, वरना ग्लैमर कम हो जाएगा। ये क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही। ऐसे चिपकने से नींद आ जाएगी क्या? ट्राई कर रही हूँ ना। ए, 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 कम ऑन सोनू, बिहेव योरसेल्फ। तुम्हारे मम्मी पापा हमें अकेले छोड़कर गए हैं, इस भरोसे को हमें तोड़ना नहीं चाहिए ना। What is this? टॉम एंड जेरी प्रोग्राम देखने दो ना, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम्हारा बिहेवियर बहुत खराब है, अंकल को आने दो, तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। घोंचू। Thank you.
जवाब इश्क तेरा करे धक 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 दिल मेरा। बहका बहका है समा मौसम है रुमानिये, सीने में भी उठ रहे जज्बात तूफानिये, नस नस में है बेचैनी बेकाबू जवानिये। ऐसे में प्यास दिल की होठों से बुझा दे तू, मैं तुझ में समाऊं चरम और मुझ में समा जा तू। नादान है दिल मेरा बेईमान है दिल तेरा, हो जाए ना इश्क में खत्म। इश्क हुआ गुस्ताख दिल हुआ बेचैन हुआ बेताब हुआ ये। दिल पे खुमार चढ़ा ये दर्द मीठा जगा, ना जाए सहा ना जाए रहा अब तो। बाहों में अपनी यूं भर के मुझे जन्नत तो दिखा दे, मेरे सीने से लग के ये बेचैनी तो मिटा दे। नादान है दिल मेरा बेईमान है दिल तेरा, हो जाए ना इश्क में खत्म। गुजर जाए गहराई में प्यार के हम दोनों उतर जाए। नादान है दिल मेरा बेईमान है दिल तेरा, हो जाए ना इश्क में खता। सवाल हुस्न तेरा जवाब इश्क मेरा, कर धक 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 दिल मेरा। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, बीबी को पसंद है बिरयानी। क्या खुशबू है, आखिर ये खुशबू कहाँ से आया? हो गया, इतनी जल्दी आ गई, कोर्ट से छुट्टी मिल गई। ये क्या कर रही हो, किचन में गुदगुदी? ओ जया रुको ना जरा, मैं अभी बिरयानी के मूड में हूँ, मुझे उस मूड में लाने की कोशिश मत करो, बाद में मुझे कंट्रोल करना मुश्किल है। इंटरेस्टिंग। कैसा है मिर्च मसाला, सब ठीक है ना? क्योंकि मैं जो भी डालता हूँ ठीक डालता हूँ। शादी के इतने दिन हो गए, पहले कभी ऐसे नहीं किया। अगर तुम जूलियट की तरह करोगी तो मैं भी रोमियो बन जाऊंगा, सब ठीक है ना? तुम अगर चमेली की खुशबू दोगी तो मैं भी गुलाब की खुशबू दूंगा। ये क्या कर रही हो डार्लिंग, खाना बनाते समय ऐसा मत करो। डार्लिंग खाना बनाते समय मजाक कैसे,
मैंने तुम्हें बिरयानी टेस्ट करने के लिए कहा था, मुझे नहीं। ए, ए, टू मच, ये क्या कर रही हो? क्या हुआ, शांत हो गई? मेरा टच कैसा है बोलो ना डार्लिंग। तुम इस तरह मेरे ऊपर हाथ रखोगी तो मैं खुद पर कंट्रोल न रख कर अपना हाथ स्टोव पर रख दूंगा। तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या मुझसे? हाँ, नहीं तो क्या मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। आपकी गर्दन और कमर पर किसने हाथ रखा? तुम्हारे अलावा और कौन होगा? आप क्या पागल हो गए हो? मैं तो अभी आई हूँ। अभी? हाय। ये कौन है, अंदर कैसे आया? ये क्या डार्लिंग, मुझे आए हुए तो आधा घंटा हो गया। मैं जो भी करूँ तुम उसका जवाब भी दे रहे हो। मेरे मांगे बिना मुझे बिरयानी भी दे दी। ए, चल हट। ये सब सच कह रहा है क्या? माँ कसम, मैं कुछ नहीं जानता। छी, आपकी टेस्ट इतनी बिगड़ जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। वा, 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 वा। देखो, मेरे कैरेक्टर पर शक करोगी तो जलाकर उसमें अग्नि प्रवेश कर लूंगा। तुम्हारे साथ मैं भी। हाय मॉम। ओह मैडम मास्टर, आप कब आए? हाय सोनम, अपने डांस स्कूल में जो सरी फंक्शन है ना, उसका इनविटेशन देने आया था। ये कौन है, ट्विन वन? ट्विन वन नहीं, ये हमारे डांस मास्टर है माइकल देवा। माइकल देवा नहीं, कील बनकर मेरे पीछे चुप गया, इसके चक्कर में तो हमारा डिवोर्स हो जाता। ओह बात यहाँ तक आ गई। ऐसा ही हुआ था। सोनम कौन है ये ड्रीम बॉय? हाथ हटाओ। मेरे डैडी मैडम है सर। डैडी तुम्हारे? इतनी छोटी उम्र तुम्हें पैदा किया? एक लड़की का बाप है लेकिन फिर भी आज के लड़कों की तरह जवान है। बड़ा बेवकूफ आदमी है। डैडी, मैडम सर का रूट ही अलग है। मैडम सर आप चलिए, मैं फंक्शन में आ जाऊंगी। ओके डॉ, सी यू। दिमाग मत खराब करो। सॉरी मम्मी, मैडम सर ऐसे ही है। अद्भुत एक मनोवैज्ञानिक है, इसको इलाज के लिए वहाँ भेज दो। कहीं ये तुमने तो नहीं बनाया ना? डैडी स्पेशल बिरयानी। क्या हुआ? प्याज डालो, एक ही चम्मच डालूंगा। मिर्च डालो, सिर्फ एक चम्मच, सिर्फ एक चम्मच। हाँ, दूसरा डालने पर अच्छा रहेगा। अरे दूसरा क्यों डाला? दूसरा चम्मच डाला ना। कहा था ना मत डालो। अरे क्या किताब में पढ़ रहा है, क्या जानता नहीं हूँ मैं। करियर में न जाने कितने आदमियों को औरत और औरतों को आदमी बनाया है। अब उसे लेडी बनाना है या जेंट्स? लेडी बनाओगे तो आदमियों को दिक्कत हो, आदमी बनाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा टैलेंट देखना चाहते हो? वैसे तुम मर्द हो, औरत की तरह क्यों रहते हो? ऐसे कब से हो? मेरे बचपन में सामने वाली लड़की ब्लाउज साड़ी सुखाती थी, उसे देखकर मैं हिल जाता था। वेरी गुड। उसके बाद आगे बताओ। उसे पाने की तमन्ना। अच्छा ऐसा हुआ? उसे पाने के बाद करंट आता है। आपको कैसे पता? एक्सपीरियंस, नो इमोशन प्लीज। बोल जाओ कि मैं मर्द हूँ। ओके, समझ गया। अब तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट। मैं तुम्हारे दिमाग को सजेशन भेज रहा हूँ। दिमाग यहाँ नहीं, यहाँ होता। यू नॉटी। तुम बचपन में लड़के थे, हाँ या नहीं? हाँ। तुम अपने बचपन में लड़की थे, सच्चे या नहीं? सच्चे। नहीं। मैं तो मर्द हूँ, हाँ या नहीं? हाँ। ऐसे ही तुम भी मर्द हो, हाँ या नहीं? हाँ। नहीं। छी, अपने बचपन में जाओ। मैं क्यों जाऊँ, तुम खुद चले जाओ। ये भी साइकोलॉजी है,
चला गया। श्योर स्टार्ट करो। स्टार्ट करो। पिछले जन्म में तुम मर्द थे? थोड़ा डाउट है। या औरत थे? उसका भी डाउट है। इसका मतलब मर्द औरत के बीच के थे क्या? हो सकता है। हो सकता है नहीं, जरूर थे। हाँ हो सकता है। अब मैं मर्द हूँ, मर्द। Hear the trap play, make the trap play, push the tempo, switch the clock back. Hear the trap play, make the trap play, push the tempo, switch the clock back. Yo, 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 yo. यार ये सेशन चल रहा है, चलो एंजॉय करते हैं। इतने दिनों से तुम्हारे अंदर मर्द ढूंढ रहा था, तुम्हारे अंदर जिसने इतना बड़ा चेंज किया उस अद्भुत राव से मिलना पड़ेगा। आओ डियर, देखा मेरा टैलेंट कैसे बदल दिया। हाउ क्यूट। हाय गाइस, क्या डिस्कशन हो रहा है, चलो एंजॉय करते हैं। अरे मेरा बिस्किट। ए रुको रुको, ये सब कैसे हुआ? कैसे बताऊं बेटा, उसने इसको बदला या इसने उसको बदला, दोनों महान है, सुपर सुपर टैलेंटेड है। चलो क्या भाई, हमेशा सोचते ही रहते हो। एक बार कुणाल से मिलके बात करने की इच्छा हो रही है। भाई हम समझते हैं आपकी परेशानी। पांडू भाई चलो सब साथ चलते हैं। हम लोग नहीं जाएंगे, साथ में गए तो पुलिस पीछे लग जाएगी। इतना ही नहीं, कुणाल जी तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा, मैं अकेले ही हो गया था। ये दुबई से अंसारी क्यों आया है? सलाम भाई, भाई। क्या बात है, इसमें क्या डीलिंग है। वाह भाई। दस करोड़ एडवांस है भाई, और ये है मरने वालों की लिस्ट। दुबई से हासिफ भाई ने आपको पर्सनली देने के लिए कहा था। बाकी हमारे ड्रग्स बिजनेस में पार्टनर सारे मुंबई वाले ही हैं। इनसे क्या डीलिंग है? ये मुखर्जी है हमारे मुंबई के पार्टनर। मुंबई में प्रेशर ज्यादा हो गया था, इसीलिए सारे नकली नोट सिंगापुर भेज दिए। नकली नोट? अभी जीजा जी को भी वही दिया है क्या? अरे भाई को धोखा देने की हिम्मत किसमें है। उस दिन पता चला था, जिस दिन काशी से बात हो रही थी, कि भाई की पावर क्या है। उस दिन जब आपने टिकट दिया तो मैं समझा कि उसमें लेटर बम होगा, यही सोचकर डर गया। एयरपोर्ट पहुँच कर खोल कर देखा तो पता चला उसमें तुम्हारे साथ बिजनेस करने का इन्विटेशन है। आप तो मास्टर माइंड है भाई। गलती की अंसारी, काशी को अपने बिजनेस में मिलाकर बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारे जरिए उससे बिजनेस करने के लिए राजी हो गया था, शहर में उसका पावर हमारे लिए काम आएगा यही सोचा था। लेकिन अब ये सोचकर मुझे परेशानी हो रही है। लेकिन फिर भी अंसारी हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। ये सारी मीटिंग दिल्ली में ही रखता हूँ, पांडू नहीं है इसलिए हम यहाँ मिले हैं। आप भी पांडू से डरते हैं क्या भाई? भाई नहीं डरता अंसारी, जरूरत। 20 साल से यहाँ के लोग भाई को भगवान मानते आ रहे हैं, तो उसके दो कारण हैं। पांडू का मेरे ऊपर विश्वास और उस विश्वास पर लोगों का भरोसा। अगर हमें यहाँ बादशाहों की तरह रहना है तो विश्वास पे रहने वाले पांडू की तरह कुत्तों की बहुत जरूरत है। वो पालतू कुत्ता मिला कहाँ था, यह भी बता दो जीजा जी। 30 साल पहले सिंथल बस्ती में जमीन के सिलसिले में जमीन खाली कराने के लिए एक लेबर को धमकाया। मेरी बात नहीं मानी तो अपने आदमियों से उस बस्ती में आग लगवा दी। किसी को मुझ पर शक ना आए इसलिए 3-4 आदमी को बचा लिया, उनमें से एक पांडू था। अब तक उसे मेरे ऊपर विश्वास है कि मैंने उसे बचाया। विश्वास से पांडू के आधे कपाली को ऊपर पहुंचा दिया, क्योंकि भाई की कनी का वो अकेला ही गवाह था। आप जा सकते हैं। खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई। क्या पांडू, झटका लगा? तुमने जो देखा वो सच था। ये सब काम तुम्हें पसंद नहीं और तुम करते नहीं, इसीलिए ये सारे काम इस मस्तान को दे दिया था। पांडू तुम अच्छे आदमी हो,
लेकिन सोचते नहीं, कहा मानते नहीं हो। सच कहा, मुझ में अक्कल नहीं है, मैं मूर्ख हूं। अगर मुझे अक्कल होती तो तुम्हें भगवान क्यों मानता? मैं लोगों को मनवाता, अपने बेटे से दूर क्यों होता? उसकी बात से ज्यादा तुम्हें इतनी इज्जत क्यों देता मैं? पांडु चुप कर, मेरा नाम लेने का हक नहीं है तुझे। जाकिर भाई, जाकिर भाई सबको कहता फिरता था, आखिर में मुझे पालतू कुत्ते की जगह दी। ये पालतू कुत्ता तेरा शिकार करेगा, याद रखना, याद रखना, याद रखना। पांडू अगर पुलिस के पास गया तो? हेलो काशी, मैं बोल भाई। पांडू हमारे बारे में जान गया है, एक पागल कुत्ते की तरह से यहां से गया है। उस पागल कुत्ते से बचने के लिए उसे मारना पड़ेगा। हेलो हेलो कुणाल। पापा मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। बोलो पापा, कहाँ हो तुम? मैं खुद आता हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो पापा? मैं तुम्हें दिल भर के देखना चाहता हूं कुणाल। अचानक मेरा दिल शांत हो गया है। ए, तू अब भी मुझसे नाराज है क्या? नाराज क्यों होगा? बचपन से तुझे परेशानी देता आ रहा हूं, तेरे बढ़ते कदम देख के तुझे गलत राह पर चलने के लिए मैं ही तुझे बोलता था कुणाल। तू हर कदम ठीक चला, मैं ही एक था जो अच्छा बाप न बन सका। नहीं पापा, तुम हमेशा एक अच्छा बाप रहे। तुम एक अच्छे बेटे हो इसलिए ये बात बोल रहे हो। भगवान ने गलती की, तुझे मेरा बाप, मुझे तेरा बेटा बनाकर भेजता तो तू मुझे कितनी अच्छी तरह से पालता। क्या पापा, तुम भी छोटे बच्चों की तरह? हाँ बेटा, अब से मैं छोटा बच्चा ही, तू जो कहेगा मानूंगा। अगर मैंने गलती की तो गुस्से से धमका के डराना। कुणाल मुझे माफ कर दे बेटा। पापा पापा, तुम्हें कुछ नहीं होगा पापा, कुछ नहीं होगा पापा। कुणाल, तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो भाई तुम्हारे साथ है, याद रखना। मरने वाले की आत्मा को शांति देना चाहते हो
वो तुम्हें नॉर्मल होना पड़ेगा। तुम्हें दोबारा अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। हाँ कुणाल, मम्मी ने अपने पहचान वालों से बात की है, तुम दोबारा इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, तुम उसे छोड़ना मत। बीता एक शराब है, भविष्य भाग्य है, तुम्हारी नजर तुम्हारे लक्ष्य पर होनी चाहिए। पांडू भाई तो मर गए, अब हमारा क्या होगा यार? उनके साथ मैं पूरा शहर घूमा था, हर जगह उनकी ही याद आती है। मारा हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छह भाई भी शांत हो गया है। अरे ये पांडू के भाई लोग हैं। अरे चेहरे से चमक भी उड़ गई लगता है। पांडू के जाने के बाद ये पांडो झंडू हो गए हैं। उसे अच्छी तरह से जलाया था कि नहीं? उसके जाने के बाद खाना वाना खाया नहीं? जाने दो ना, हम सबको एक एक प्लेट बिरयानी खिला देते हैं। तब जाकर पांडू की आत्मा को शांति मिलेगी। ए, क्या बकवास कर रहे हैं? ए, बुला तेरे पांडू को, बुला। कहाँ है वो? वो देख, बुला उसको, बुला, बुला पांडू को। जन्मदिन है ना, इसलिए सारी तैयारी हो रही है। डेकोरेशन अच्छा है ना?
गुस्से में तू मेरी तरह लगता है। हाँ पापा, बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता हूँ। कुणाल। कैसे हो? तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ? इंटरव्यू अटेंड करने का एक और चांस मिला है। ओह गुड, वेरी गुड। लेकिन अभी मुझे कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। वो क्या है कुणाल? मरना होगा। मरना ही होगा। जो जो मेरे पापा की मौत के जिम्मेदार हैं उन सबको मरना होगा। मैं खुद मारूंगा, किसी को बचने नहीं दूंगा। मुझे पता है भाई, मुझे पता है वो कौन है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, काशी और उसका लड़का सूरी, उन्होंने मेरे पापा को मारा था। बच गए। काशी गैंग को इस बात के लिए परेशान करने के लिए कि अब आगे क्या होगा, मैंने उनके लड़कों को मारा, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर था। अपने लोगों ने बताया था, लेकिन इन झगड़े में तू किस लिए? कुणाल, तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारे सपने का क्या होगा? मैंने सोचा था कि सिस्टम में रहकर उन लोगों की सेवा करूंगा, उसके लिए आईएएस आईपीएस पढ़ा, बेकार है ये सब। बाद में पता चला कोई भी कहीं भी कभी भी किसी की भी सहायता कर सकता है। मेरे पापा को मारने वाले ही नहीं, पब्लिक को परेशान करके पैसे बटोरने वाले व्हाइट कलर तक के लोगों को किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबको मारकर इस शहर की सफाई कर दूंगा, वो भी इन हाथों से। अब यही मेरा लक्ष्य है। एक बेटा अपनी पाप की मौत का बदला लेगा, लेकिन लोगों को तो न्याय मिलेगा। कुणाल, ये जोश और ये बदला मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं देख लूंगा, तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं जानता हूँ आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पापा आपको कितना मानते थे, आपके ऊपर कितना भरोसा था उनका, मैं जानता हूँ। आप किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मैं आपके साए में रहकर सब करना चाहता हूँ। कुणाल, ये सब इतना आसान नहीं। भगवान के लिए मुझे मना मत करना। कुणाल, तुम्हें देखकर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे मेरा पांडू याद आ गया। मेरा पांडू कहीं नहीं गया, मेरे साथ ही है। ए, पांडू भाई नहीं है क्या? क्या रो रहे थे ना, देखो पांडू भाई आ गए। ए, जाओ मौज करो, जाओ भाई जाओ। पांडू भाई आइए, जाइए। अरे हम पर अटैक करने आए थे ये सोच के मैं तो घबरा गया था, लेकिन ये तो हमसे दोस्ती करने आया था। कल तक पांडू हमारा हथियार था, आज से उस हथियार की धार कुणाल बनेगा। Thank you.
एक युद्ध है ये जीवन, जो रुके नहीं जो झुके नहीं जीतेगा वो ही जंग। आ ही गया तू आ ही गया, हे जुर्म की दुनिया में तू जाने जा, लौट सका ना कोई इन राहों से, बन वे है जुर्म का ये रास्ता। को किसी कुत्ते ने काट लिया है क्या? मेरे आदमियों को देखते ही काट डालता है। मैंने भी ऐसा ही सुना है। सुना है तुमने ही कहा उसे काटने के लिए? सही समझा है तू। देख काशी, तेरे साथ बिजनेस करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तेरी समझ में आने वाली बात कहता हूँ, ध्यान से सुन ले। पांडू के ऊपर तेरे गुस्से का इस्तेमाल करके तेरे हाथों से पांडू का कत्ल मैंने करवाया था, अब कुणाल के हाथों तेरा कत्ल करवाऊंगा, ये शहर मेरा हो जाएगा। भाई, पांडू को मारने के लिए तुमने ही मुझे फोन किया था, ये बात अगर मैं कुणाल को बता दूं तो? ए काशी, तेरा मुंह खुलने से पहले उसकी चाकू तेरे गर्दन पर चल जाएगी। बिना बताए तुम हमारे घर से चले गए, मुझे मिलना भी छोड़ दिया। अब तुम मेरा फोन भी रिसीव नहीं करते। अब क्या मेरी जिंदगी से बाहर जाना चाहते हो? इतने में इतना बदलाव कुणाल, तुमने अपने प्यार को भुला दिया, अपने सपनों को भुला दिया, अब क्या मुझे भी भूल जाओगे? सुनो मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है तुम क्या कहोगे, तुम्हारी नई जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है, मुझे भी तुम्हारी तरह सब भूलना पड़ेगा, दोबारा तुम्हें नहीं दिखाई दूं, शादी करके कहीं दूर चली जाऊं, यही सब कहना चाहते थे ना? क्या यही चाहते हो तुम? हाँ। तुम्हें इतना प्यार करके तुम्हारे साथ सारा जीवन बिताना चाहती थी कुणाल, लेकिन मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए अगर मुझे तुमसे दूर भी रहना पड़ा तो रहूंगा।
हो गया तुम लोगों का फोटो सेशन? सर आपके हाथ को क्या हुआ? मेरे हाथ को छोड़ो, शहर की बातें करो। शहर में आए नए कमिश्नर ने मुझे पूरा चार्ज दे दिया है। अब इस शहर में दो ही बड़ी ताकत है, उसमें एक भाई इस शहर में अच्छा आदमी बनकर गलत धंधा कर रहा है और लोगों को धोखा दे रहा है, और दूसरा है काशी, ये काले धंधे के साथ ड्रग्स का धंधा कर रहा है और लड़कियों को दुबई भेजता है, और दुबई में उसके नाजायज संबंध है। ये सारे इल्जाम है उस पर। सर कुणाल का क्या होगा? जानता हूँ क्या हो रहा है, क्या करना है मैं जानता हूँ, आगे क्या करना है मुझे मालूम है। इन तीनों का चैप्टर क्लोज करके पूरे शहर को कंट्रोल में ले लूंगा। ये सीआई क्या कर रहा है? पांडू का गुस्सा कुणाल के ऊपर एनकाउंटर करके खत्म करेगा सोचा था, लेकिन ये तो हमारी तरफ ही बंदूक घुमा रहा है। अब उससे भी हमें डरना पड़ेगा। शरीर पर डिजाइन बनवाकर आवारा बनकर इधर उधर घूमना नहीं होता है, सोचना पड़ता है। टाइम अगर खराब हो तो पुलिस के कुत्तों से भी डरना पड़ता है, तो ऑफिसर से कितना डरना पड़ेगा। इसलिए हमारा यहाँ रुकना इतना सेफ नहीं है, चल यहाँ से भाग चलते हैं। कहाँ कहाँ भागना है मैं बताता हूँ। हुसैन तुम अच्छे हो ना? पता है तुम्हें टीवी में देखकर कितना खुश हो गया था। अपना मैजिक मंत्र मेरे ऊपर मत चलाओ, तुम्हें दो चांस देता हूँ, शराफत से सरकारी गवाह बन जाओ या फिर भाई और कुणाल के साथ एनकाउंटर में मरने को तैयार हो जाओ। इतनी अच्छी राय देने वाले पुलिस वाले कहाँ मिलते हैं, हमारे अच्छे के लिए ही तो कहा है, पहली राय ठीक। उस कुणाल को अरेस्ट करने के बजाय हमें अरेस्ट करने के लिए आया क्या? मुंह बंद कर। किस्मत अच्छी है कि उस कुणाल के हाथ में ना पड़कर हुसैन के हाथ लग रहे हैं। इस वक्त हम जिस पोजीशन में हैं उसमें सेंट्रल जेल से सेफ जगह और कोई नहीं है। हुसैन तुम जहाँ ले चलोगे चलूंगा, चलिए। बाप के पास जाने का आ गया है।
ये मेरे लड़के को मार देगा। अरे बचा बचा ले। शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती? फालतू पड़ी पिस्तौल की पावर क्या होती है? सही बंदे के पास आने पे ही पता चलती है। मेरी आंखों के सामने मेरे पापा को मार डाला, अब तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे को मारूंगा। सूरी को तो वहीं मार डाला, लेकिन इस नीच को तुम्हारे सामने मारने के लिए लाया हूं। लेकिन ये कुछ कहना चाहता है, बार बार कुछ इशारा कर रहा है। जान की भीख मांगकर पैरों पर पड़ जाएगा। मुंह खोल दूं क्या? इससे क्या बात करना, मार डालो, खत्म कर दो कुनाल। करना है भाई, मुझे सबको यहीं खत्म करना है। क्या है काशी, तू कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है? अरे तेरे मन की बातें मैं जानता हूं। लोग जैसा मानते हैं भाई भगवान नहीं है ना, एक बड़ा क्रिमिनल है, यही बात है ना? इलीगल बिजनेस सब भाई के अंडर में ही होते हैं। तू यही कहना चाहता था ना? भाई मतलब धोखा, भाई मतलब विश्वासघाती, भाई मतलब द्रोही। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पापा को मारने के लिए भी भाई ने कहा था। तो यही कहना चाहता था ना? वो मैं पहले से ही जानता था। कुराल, कुराल। मेरे पापा को तेरे बारे में पता चलते ही अगले ही पल काशी के हाथों ने मरवा दिया। लेकिन तुम्हें जो नहीं पता था वो ये कि मेरे पास आने से पहले उन्हें जिससे मिलना था उससे मिल चुके थे। धोखा खा गया हुसैन साहब, कुछ बातें जाने बिना भाई के पापों में मैं भी उनका साझीदार बन चुका हूं। ये सोच के दुख हो रहा है, मेरी वजह से कुणाल का जीवन खराब हो गया। एक बार मैं उससे जाकर मिलता हूं, अपनी गलतियों को उसके सामने मानता हूं, फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा भाई के खिलाफ गवाह बनकर अपने आप को सरेंडर। हुसैन ने जिस दिन मुझे ये सब कुछ बताया उसी दिन आकर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने वाला था, लेकिन हम दोनों ने तेरे साथ तेरे सारे साम्राज्य को खत्म करने का प्लान बनाया। उसी प्लान के तहत मैंने तुमसे हाथ मिलाया था। मुश्किल है कुणाल, काशी को जितनी आसानी से मार दिया उतनी आसानी से भाई नहीं मरेगा। रिवॉल्वर में 6 गोलियां होती हैं, 3 सूरी को और 3 काशी को। तुम्ही ने कहा था ना भाई इतनी आसानी से नहीं मरेगा, इतनी आसानी से तुझे मरने भी नहीं दूंगा। पहले सोचा था कि तुझे अरेस्ट करवा दूं, लेकिन अपनी चालाकी और आदतों की वजह से फिर से लोगों के बीच राजा की तरह जीने लगेगा, मैं जानता हूं। आगा।
इसीलिए अपने आदर्श के विरुद्ध जाने का रास्ता चुना मैंने। आज के सिस्टम को साफ करना हो तो तेरे जैसे लोगों को उखाड़ फेंकना होगा, उखाड़ फेंकना होगा। सायरा, सायरा, तुम तो कुणाल से मुझे माफ करने के लिए कह दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ने के लिए कहो ना। मुझे जो कहना था वो कुणाल को मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि तुमने ही पांडु को मरवाया था। चाहे तुम मेरे पति क्यों न हो, सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। सायरा, सायरा। नहीं कुणाल, मुझे मारकर तू नहीं बच पाएगा। जिन लोगों को तूने मारा है, जिन लोगों को तूने मारा है, जिस सिस्टम को तू मानता है, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। कल तक तेरे हाथ में रहने वाला सिस्टम अब मेरे हाथ में है। काशी और भाई के बीच हुई गैंगवार में दोनों मर गए, यही कल के मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज है। और कुणाल अपना IAS पूरा करने के लिए दिल्ली चला गया। कुणाल को मार दो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा। ऑल द बेस्ट कुणाल, खुदा हाफिज़।